प्रणाम, आप सबको ईद और राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल भूमि पूजन हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। बहुत सालों बाद, एक अरसा सीरीज ऑफ कोर्ट केसेस के बाद फाइनली कल जाके भूमि पूजन हुआ। पूरे देश ने खुशियां मनाया है। कोविड की वजह से कोई जा नहीं पाया है एंड आशा करती हूँ कोविड जब खत्म हो जाएगा तब तक हम सब जाएंगे। आज मैं आई हूँ वीडियो लेके कुछ खास एक रीज़न के लिए। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। मैं सोशल मीडियाज़ पे बहुत एक्टिव हूँ इस टॉपिक को लेके, इंस्टाग्राम बोलिए, फेसबुक बोलिए, व्हाट्सएप बोलिए, पर्सनल ग्रुप्स बोलिए। तो क्या हुआ था, आपको शायद देखने मिला एक लाइव मैं आई थी अराउंड 17th और 18th जून के आसपास। सो उसके बाद मैंने सोचा कि यूट्यूब पे नहीं बात करूंगी क्योंकि बहुत जन बात कर रहे हैं। बहुत लोगों ने मुझे रोकने का भी कोशिश किया है कि नहीं, सुशांत इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके डेथ पे मत बात करो, लीडर्स ऐसे बात नहीं करते हैं, तुम इन्फ्लुएंसर बन रही हो, अभी तुम्हारा करियर बन रहा है, बात मत करो, पॉलिटिकल एजेंडा है, उस पर मत घुसो। बहुत जगह से बहुत लोगों ने मुझे कहा है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ना, मैं एक्टिव तो कहीं और थी, वोकली बहुत रेज करी थी वॉइस, मैं मूवमेंट के साथ भी हूँ, जस्टिस चाह रही हूँ कि CBI मिले, जस्टिस मिले, सच बाहर आए कि क्या हुआ उसको, क्यों चला गया इतनी जल्दी। तो मुझे ना बहुत चुप नहीं रहना है कि मैं 14 जून से मैं बहुत एक्टिव हूँ, केस को बहुत बारीकी से और नज़दीकी से फॉलो कर रही हूँ मैं। मेरे पास हर एक डिटेल से जो पब्लिक डोमेन पे है, मैं लाइव वीडियोस देखती हूँ, मैं सबको फॉलो कर रही हूँ, मैं ट्विटर पे हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे वॉइस को भी ना काउंट कराना चाहिए कि इफ़ आई हैव अ वॉइस आई शुड रेज इट। वो पॉलिटिकल एजेंडा के लिए है, कुछ के लिए है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये अभी जस्टिस का लड़ाई है। पूरा इंडिया एक साथ आके ये लड़ाई लड़ रहा है एंड मुझे लगता है कि मुझे पीछे से नहीं, मुझे अभी फ्रंट फुट पे आना है ताकि मुझे जितना इन्फॉर्मेशन पता है ताकि मैं लोगों तक वो थोड़ा सा पहुंचा पाऊँ। एंड एटलीस्ट अगर मेरे वीडियो से थोड़े बहुत लोग भी इन्फ्लुएंस्ड होते हो ना, तो आपको भी पता चलना चाहिए कि सच्चाई की जीत होती है। सत्यमेव जयते लोग बोल रहे हैं ना, ये सही में होना चाहिए। देश के कॉन्स्टिट्यूशन से आपको भरोसा बिल्कुल नहीं उठाना है, आपको लड़ाई लड़ते रहना है, चाहे वो आज सुशांत के लिए जस्टिस मांग रहे हैं कि किसी और रीजन के लिए। जस्टिस शुड बी गिवन टू ईच वन ऑफ अस, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सो मैं बात शुरू से शुरू करती हूँ, आज का छोटा सा ही वीडियो रहेगा। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं कल से पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर कर पाऊँ। एंड जो लोग मेरे साथ फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जुड़े हो, आप लोग को तो पता ही है मैं कैसे वोकली बात करती हूँ, यू कैन गो एंड सी माई प्रोफाइल्स। तो बात क्या हुआ, 14 जून को जब ये न्यूज़ ब्रेक हुआ था, इंस्टेंटली पुलिस ने, मीडिया हाउसेस ने 15 से 20 मिनट में जब उनका बॉडी उतारा गया, एक वर्डिक्ट दे दिया था कि ही कमिटेड सुइसाइड। एंड किसी ने सोचा भी नहीं कि ना सुइसाइड नोट है, ना कुछ है। बॉडी के पिक्चर्स जब बाहर आए, वी रिफ्यूज टू अग्री एंड एक्सेप्ट कि उन्होंने सुइसाइड किया है। अब ये अबेटमेंट टू सुइसाइड है, प्री प्लांट मर्डर है, एग्जीक्यूट किया गया है या क्या है, ये बोलने के लिए, जानने के लिए, सोचने के लिए टाइम तक नहीं दिया। पीपल स्टार्टेड कॉमेंटिंग एंड अटैकिंग ऑन हिज मेंटल हेल्थ, उनको धीरे धीरे पागल करार किया गया, बाइपोलर डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ इशूज था, डिप्रेस था बंदा, करियर खत्म है, पर्सनल इशूज है। किसी को दूर दूर तक ना ट्रूथ के बारे में पता भी नहीं था। जैसे जैसे पढ़ने खुलते गए, जब से इशकरण भंडारी, स्वामी जी, पायल रहोदगी, ये सब ने ज्वाइन किया है मूवमेंट को, तब से ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया। मुंबई पुलिस ने बिल्कुल मामला दबा दिया था सुइसाइड का केस बोल के। लोग देख पा रहे कि क्राइम सीन ना सील हुआ है, ना कुछ हुआ है, जर्नलिस्ट आके कुछ भी आर्टिकल्स छाप रहे हैं, ब्लाइंड आर्टिकल्स हो रहा है, लोगों को ऐसे घूमते फिरते इंटरोगेट करने के लिए बुलाया गया है। व्हेन कंगना रनौत जॉइंड द मूवमेंट, मैं तब का बात बोल रही हूँ, 15-16 जून के आसपास, वी वर सिटिंग एंड वॉन्टिंग टू नो कि हमारे हीरो को हुआ क्या है, क्यों चला गया, वो मर्डर हुआ है, सुइसाइड किया है, क्या प्रॉब्लम था। उनके फैमिली मेंबर्स, 4 बहन, 1 बहन का ऑलरेडी डेथ हो चुका है बहुत पहले, न्यूज रीजन नहीं पता है, वो बाहर खुल के नहीं आया। उनके पिताजी बहुत ओल्ड है, अभी वो खुल के बाहर आए हैं 1 हफ्ता पहले। सो हम लोग का क्या हुआ था ना, वी स्टार्टेड दिस मूवमेंट सिंस दैट टाइम कि जस्टिस दिलाना है, बाहर आना चाहिए, जो भी रीज़न है। सो आई रियली थिंक सो कि मुझे इस बारे में बात करना है, मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है जो मैंने 14 जून से केस फॉलो किया है, आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज। अगर आप इंटरेस्टेड हो, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो। तो कल ही मैं वापस से वीडियो स्टार्ट करूँगी एंड कुछ टाइम के लिए मैं अपना ट्रैवल व्लॉग सोच रही हूँ कि एटलीस्ट 2-3 दिन पीछे कर दूँ, ताकि दिस इशू इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर आज मैं वापस आते हैं
आज देखते हैं कि सीबीआई केस हैज बीन रजिस्टर्ड, एफआईआर फाइल हो चुका है, समन किया गया है, ईडी ने केस लिया हुआ है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. मैं लीगल टर्म्स पे भी बात करूंगी, मैं सेक्शंस पे भी बात करूंगी एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या हो रहा है, ताकि आपको भी समझ में आए कि आप जिस देश में हो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम आता है, कैसे आपको आवाज उठाना है और कैसे आपको न्याय के लिए लड़ना है. जस्टिस मिलना चाहिए, सत्यमेव जयते.